ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड में कैरोन रोल्टन ओवल स्टेडियम में मार्च वनडे कप के दौरान उस समय बड़ा हादसा हो गया जब एस्टन एगर अपने भाई का कैच पकड़ने के चक्कर में खून से लथपथ हो गए। इस दौरान गेंद एस्टन के चेहरे पर लगी और वह मैदान पर गिर पड़े। इसके बाद मैच को कुछ देर के लिए रोकना भी पड़ा। रविवार को हुए इस मैच के दौरान वेस एगर ने हवा में शॉट खेला तो ऑस्ट्रेलिया के बेस्ट फील्डर और बेस के बड़े भाई एस्टन कैच पकड़ने के लिए मिडॉन की तरफ भागे। एस्टन के हाथ से गेंद छूटकर उनकी दोनों आंखों के बीच टकराई और उनका चेहरा खून से लथपथ हो गया। इसके बाद एस्टन मैदान पर गिर गए और उनके टीम मेट जाई रिचर्डसन ने तुरंत मेडिकल सहायता की मांग की। इसी दौरान उनका छोटा भाई वेस भी दौड़ते हुए एस्टन के पास पहुंचा। गेंद कितनी तेज थी इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि एस्टन के सनग्लासेस भी टूट गए थे। मैदान पर उपचार के बाद एस्टन को मैदान से बाहर जाना पड़ा। वहीं इस पूरी घटना पर वेस ने कहा, ये घटना शॉक करने वाली थी। अपने भाई से बात करने के बाद जान में जान आई। इस 22 वर्षीय खिलाड़ी ने कहा, डॉक्टर उसे टांके लगाना चाहते थे लेकिन वह उसने कहा कि वह इसे प्लास्टिक सर्जन पर छोड़ देगा। उन्होंने कहा, शुक्र है कि ठीक हूँ। आपको कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब क्रिकेट केसरी पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अमन यादव, पंजाब केसरी, दिल्ली।